ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी डी विच मीट्स एक्सटेंडेड डी ई at F. Now proof. हाँ जी, क्या करेंगे proof में? मैंने उस दिन समझाया भी था आपको. First of all, what we are to do? We are to prove that triangle ADE, और इधर से this one C E F, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. चलिए, पहले इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका एफ आएगा. इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी एफ ई, नेम फिर चेंज कर लेंगे इन केस इफ देयर विल बी प्रॉब्लम. एंगल ये वाला और ये वाला, दीज आर वर्टिकली ओपोजिट angles. Then this is your angle B, this is your angle F. If I say angle 3 is equal to angle 4, what can be the reason for that? How alternate interior angles? Yes, हमने क्या किया था? बी डी और सी एफ पैरेलल ली थी और DF is the transversal. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, then also these are parallel. तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, both of these will be alternate interior angles. So यहाँ हम लेंगे angle 3 is equal to angle 4 और यहाँ reason mention कर देंगे. BD parallel CF implies AB parallel CF. Therefore, angle 3 and angle 4 are alternate interior angles with DF as transversal. हाँ जी, ये reason clear है? बीच में मुझे बोलने की आवाज आ रही है, बातें बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए. और यही रीजन है टेस्ट में जो छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से फिर नंबर आपके काम आते हैं. बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ द थर्ड वन इज वी आर गिवन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो इट मीन्स ए ई इज इक्वल टू ई सी. इसका रीजन ये लिख रही हूं मैं. हां जी, नो कैसे, किसका? DE is equal to EF, वो by construction लेते हैं. मैंने उस method से नहीं किया, आप उस method से भी कर सकते हो. हम construction में दो चीजें ले सकते हैं. Either you can say that extend DE to F such that DE is equal to EF, या फिर जैसे मैं करवा दूं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो. उसमें आपका SAS रूल लग जाता है और यहाँ पे आपका ए ए एस लगेगा. अदरवाइज मेथड सेम है कि दोनों ट्राइंगल्स को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो. ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो कौन सा रूल लगा? सो बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल ए डी ई is congruent to
ट्राइंगल सी एफ ई। ठीक है जी, अब सीपीसीटी यूज करेंगे। सीपीसीटी से क्या आएगा, ए डी इक्वल टू एफ सी एंड डी ई इज इक्वल टू ई ए। कंस्ट्रक्शन इरेज कर रही हूं मैं। सो बाय सीपीसीटी DE is equal to EF and AD is equal to FC. हाँ जी, एक ही बात है। चलिए आगे। अब AD इक्वल टू सी एफ है एंड ऑल्सो AD इज इक्वल टू DB है। दिस इज गिवन, तो इसका मतलब DB इज इक्वल टू क्या आ गया, FC। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब हमने DB पैरेलल टू FC लिया हुआ है बाय कंस्ट्रक्शन, और हमने शो कर दिया कि डी बी और एफ सी इक्वल भी हैं। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल एंड पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। सो सिंस डी बी पैरेलल एफ सी एंड डी बी इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर डी एफ बी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अब डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है, इट मींस डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। डी एफ पैरेलल बी सी यानी कि डी ई पैरेलल बी सी, DE पैरेलल BC क्यों है, क्या रीजन लिखोगे इसका? बिकॉज E lies on DF, ठीक है, इसलिए DE पैरेलल, E is a point on DF. इसमें जो इस तरह के पॉइंट्स हैं दैट यू कैन स्किप वाइल गिविंग द प्रूफ, मैं इसलिए लिख रही हूं ताकि बाद में जब कभी आप इसको देखोगे तो आपको उस टाइम पे कंफ्यूजन ना हो कि हमने ये क्यों किया है ये वाला, अदरवाइज दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स यू कैन स्किप। तो डी ई पैरेलल बी सी, एक ये चीज प्रूव हो गई। अब सेकेंड हमें क्या प्रूव करना है, दैट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी। अब यहाँ पे जहां हमने लिया है डी एफ पैरेलल बी सी, इसी से ऊपर एक लाइन लिख लो, डी एफ इज इक्वल टू बी सी। या यहां नीचे लिख लो, जैसे कन्वीनियंट लग रहा है, अगर ऊपर जगह नहीं है तो यहां लिख लो, ऐसे लिख लो इसको, ऑल्सो डी एफ इज इक्वल टू बी सी। ऊपर अगर स्पेस नहीं है नीचे लिख लो डी एफ इक्वल टू बी सी। अगेन क्या रीजन है इसका, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इक्वल। अब डी एफ को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, डी एफ कैन बी रिटन एज प्लस ई एफ, तो यहां पे आप ले लोगे डी एफ इज इक्वल टू डी ई प्लस ई एफ। हम ऑलरेडी डी ई और ई एफ को इक्वल शो कर चुके हैं, सो दिस इज DE plus DE,
और डीएफ किसके इक्वल है, बीसी के, तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, ये हम ऑलरेडी ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो डीई इज हाफ ऑफ बीसी। लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड, दोबारा बता दो, पहले इसको नोट डाउन कर लो, मैं एक बार थ्योरम पूरी दोबारा बता दूंगी। जहां पे हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं, वहीं पे ये मैंने बाय सीपीसीटी में पॉइंट लिखवाया होगा, चेक करो, नहीं लिखा तो लिख लो, वहां पे इक्वेशन नेम दे दो इसको बेशक वन, फिर यहाँ मेंशन कर देना यूजिंग वन, जहां बाय सीपीसीटी लिखा है वहां आपने डीई इज इक्वल टू ई एफ लिखा है, नेम दैट एज इक्वेशन वन, और फिर यहां इसको लिख लो ब्रैकेट में यूजिंग इक्वेशन वन, ठीक है, डन। दोबारा बता रही हूं मैं, जहां आपने बाय सीपीसीटी किया है देयर यू वुड हैव रिटन डीई इज इक्वल टू ई एफ, उसको इक्वेशन वन बना दो, और जहां ये लिखा है डीएफ इज इक्वल टू डीई प्लस डीई, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो यूजिंग इक्वेशन वन, डन। अब एक बार इसका सॉल्यूशन प्रूफ दोबारा देख लो, हमें गिवन था ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है। अब क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं तो इट मींस ए डी और डी बी इक्वल हो गए, ए ई और ई सी इक्वल हो गए। हरसिमरन यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, थोड़ा बहुत भी बेटे अगर क्लास में सुनोगे कुछ तो समझ आएगा, पर आप अपनी पता नहीं क्या चित्रकारी कर रहे हैं। तो ए डी और डी बी इक्वल हो गए, ए ई और ई सी इक्वल हो गए। अब हमने प्रूफ क्या करना है, वी आर टू प्रूफ दैट जो ये डी ई है, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की कोई दो साइड्स हमें गिवन है, अगर उनके मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स जो है दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, थर्ड साइड मीन्स जिसपे कोई मिड पॉइंट हमें गिवन नहीं है, तो डी ई जो है दैट इज पैरेलल टू बी सी। हम साथ में ये भी शो करते हैं दैट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, स्टेटमेंट में ये मेंशन नहीं है, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही मेंशन है दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, बट मिड पॉइंट थ्योरम में हम ये भी साथ में शो करेंगे दैट डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, यहां से ए बी या बी डी के पैरेलल सी एफ ड्रॉ कर ली, और इधर से डी ई को एक्सटेंड किया जो इसको एफ पे मीट करेगा। अब ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी ई एफ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये और ये हमें इक्वल गिवन थे, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ये एंगल थ्री और ये एंगल फोर, दीज आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गई ये। अब दोनों ट्राइंगल्स आपकी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं यानी कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एज वेल एज साइड्स जो है वो इक्वल होंगे, तो ए डी और एफ सी इक्वल हो गए, डी ई और ई एफ इक्वल हो गए, एंगल्स ऑलरेडी हमने यूज करके जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। अब ए डी और एफ सी क्योंकि इक्वल है और इधर से ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है, यानी कि ये दोनों आपके क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये दोनों आपके इक्वल हो गए और हम ऑलरेडी इसको पैरेलल कंस्ट्रक्शन से किया है हमने, तो वन पेयर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल डी एफ सी बी जिसमें डी बी और सी एफ हमने शो कर दिया दैट दे आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल, तो वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अगर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं देन दैट इज अ पैरेललोग्राम, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम मींस ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो डी एफ इज इक्वल टू बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी, वन पार्ट हो गया हमारा डी एफ पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ई जो है वो डी एफ पे लाई कर रहा है तो डी ई भी बी सी के पैरेलल होगा। अब हमने सेकंड पार्ट प्रूव करने, सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या शो किया, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है तो डी एफ और बी सी क्या है, दोनों आपस में इक्वल हैं। अब डी एफ को हम स्प्लिट कर सकते हैं डी ई प्लस ई एफ, तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया डी ई प्लस ई एफ, और जहां हमने कॉन्ग्रुएंट किया था शो ट्राइंगल्स को वहां हमने ये भी शो किया कि डी ई और ई एफ आपस में इक्वल हैं, तो मैंने ई एफ को रिप्लेस कर दिया डी ई से। यहाँ ये ध्यान रखना है आपने
क्योंकि हम लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ डीई को ई एफ से रिप्लेस नहीं करोगे आप इस स्टेप में, आप ई एफ को डीई से रिप्लेस करोगे। तो ये ट्वाइस ऑफ डीई आ गया, उधर से डीएफ हम ऑलरेडी शो कर चुके थे बीसी के, क्योंकि हमें थर्ड साइड लेके चलनी है, तो हमने यहाँ डीएफ को रिप्लेस किया बीसी से, ये टू आपका इधर आके डिवाइड करेगा, तो ये हमारा प्रूव हो गया दैट डीई इज हाफ ऑफ बीसी। क्लियर? सो दिस वॉज अ प्रूफ ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसी थ्योरम का कन्वर्स आता है। कन्वर्स मीन्स हमें अब क्या गिवन है, कन्वर्स के अंदर हमें गिवन होगा ट्राइंगल ए बी सी, उसमें डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल बी सी। अब हमें पैरेलल लाइन गिवन है और एक साइड का मिड पॉइंट गिवन है, प्रूफ हमें क्या करना होगा यहाँ पे दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, इसको हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हम उल्टा मान के चलेंगे, लेट इफ पॉसिबल कि ये पैरेलल नहीं है, DE जो है दैट इज नॉट पैरेलल टू BC। इसका प्रूफ आपने फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना है, जस्ट मैं समझा रही हूं, जो आपने प्रूफ करना है वो सिर्फ मिड पॉइंट थ्योरम का ही करना है। सो वी आर गिवन ट्राइंगल ABC इन विच D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB and we are given that DE is parallel to BC। एक तो हमें given है D midpoint of AB, यानी कि AD equal to DB, ये सारा given है हमें, और DE parallel BC। हमने प्रूफ क्या करना है इसमें, that E is the midpoint of AC, यानी कि मुझे प्रूव करना है कि AE जो है that is equal to EC। अब ये जो conditions मुझे given है, अगर मैं इनको लेके चलूं, तो डी मिड पॉइंट है, यानी कि ए डी और डी बी आपके इक्वल हो गए, और इधर से डी ई पैरेलल बी सी मुझे गिवन है। हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कर रहे हैं इसको, तो हम ये मान के चलेंगे लेट इफ पॉसिबल ई जो है आपका दैट इज नॉट द मिड पॉइंट, तो इट मींस कोई एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस ए सी का मिड पॉइंट होगा, तो लेट दैट पॉइंट बी ई डैश। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जब मैंने ई डैश ले लिया, तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इधर से ए डी और डी बी आपस में इक्वल होंगे। अब क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, डी ई डैश जो है दैट शुड बी पैरेलल टू बी सी। दोबारा सुन लो इस पॉइंट को, हमें जो गिवन था उसके अकॉर्डिंगली डी ई पैरेलल बी सी मुझे गिवन है। हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से क्या मान लिया, लेट इफ पॉसिबल ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन देयर विल एग्जिस्ट वन पॉइंट ई डैश सच दैट डी ई डैश विच इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सच दैट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी। अगर ई डैश जो है वो ए सी का मिड पॉइंट होगा, देन यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम जब आप डी और ई डैश को ज्वाइन करोगे, तो DE डैश जो है वो आपका BC के पैरेलल होगा। ठीक है, बट हमें गिवन क्या है, DE पैरेलल टू BC। अब ये चीज देखो, यहाँ क्या कंसेप्ट हमारा यूज हो रहा है, अगर मुझे एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है, इस पॉइंट से मुझे ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो हाउ मेनी पैरेलल लाइंस आई कैन ड्रॉ। मुझे एक लाइन गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, इस गिवन पॉइंट से मुझे इस गिवन लाइन के पैरेलल अगर लाइंस ड्रॉ करनी है, तो कितनी पैरेलल लाइंस बन सकती है, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट वन पैरेलल लाइन। सो सेम वे में एक तरफ मैं कह रही हूं कि डीई डैश पैरेलल टू बीसी है, दूसरी तरफ हमें गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी है, ये कंडीशन आपकी कब पॉसिबल होगी, क्योंकि हम सिंपल एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इट मींस ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, व्हेन ई एंड ई डैश रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट। अब वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने ई डैश मिड पॉइंट लिया था, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि ई इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। तो इस वे में आप इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करोगे, हमने यहाँ शो कर दिया डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, बट डी ई पैरेलल टू बी सी इंप्लाइज E and E dash represent the same point।
अब क्योंकि वो सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मींस ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. गॉट इट? इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क. क्लियर है ये प्रूफ? वैसे इसका आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं करना है, बट स्टिल यू शुड नो हाउ टू प्रूव. हाँ जी, ई डैश हमने कंस्ट्रक्शन में किया है. ठीक है, लेट इफ पॉसिबल ई इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ई डैश सच दैट डी ई डैश, ई डैश इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अब अगर ई डैश मिड पॉइंट ऑफ ए सी है तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम डी ई डैश विल बी पैरेलल टू बी सी. बट हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, और ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी? जब सेम पॉइंट होगा वो. यानी कि दो, आपको ये पता है कि दो पॉइंट्स से हमेशा वी कैन ड्रॉ वन लाइन हो. तो एक पॉइंट मुझे अगर गिवन था, उस पॉइंट से मुझे इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो दैट कैन बी डन इन ओनली वन वे. तो इट मींस ई और ई डैश आपका सेम पॉइंट होगा, तभी ये पॉसिबल होगा. क्लियर? अब जो हमारी एक्सरसाइज 8.2 है वो सारी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मिड पॉइंट पे. मोस्टली आपको जो है वो कंडीशंस ढूंढनी होंगी जिनमें आपका ट्राइंगल का मिड पॉइंट्स आप ज्वाइन करोगे. तो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने पे ये वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है. क्लियर? अब एक्सरसाइज पे आएंगे. एग्जांपल्स आप इसके खुद देखना, जो डाउट होंगे दैट यू विल आस्क. नेक्स्ट ट्यूसडे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, you are having the test of full chapter 13. चलिए question number 1 कर रहे हैं हम exercise 8.2 का. Are you not feeling well? क्या हो गया? Tie उतार के first button you can open. Fans चाहिए आपको? You can go to the medical room. हाँ, you can go. Should I send someone with you? Will you be able to manage? Go. पहले टायर रिमूव करके बटन वो करो, थोड़ी सी हवा लगेगी, देन यू विल बी फीलिंग बेटर. बातें एंड इट्स अ वेरी बैड थिंग इफ वन चाइल्ड ऑफ योर क्लास इज नॉट फीलिंग वेल, और आप लोगों को आपस में बात करके मजाक सूझ रहे. इट मींस यू पीपल आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट योर क्लासमेट्स आल्सो. Question number 1, ABCD is a quadrilateral in which PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is the diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is half of AC. PQ is equal to SR and the third part PQRS is a parallelogram. Given mein kya kya hai aapko? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल बना लो एक ए बी सी डी. इसमें वी आर गिवन दैट ए सी इज द डायगनल, और इनके मिड पॉइंट हमें गिवन है रिस्पेक्टिवली पी क्यू आर एस ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. सो दिस इज द मिड पॉइंट पी, दिस इज द मिड पॉइंट क्यू, दिस इज मिड पॉइंट आर, दिस इज द मिड पॉइंट एस, एंड वी आर टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. चलिए गिवन कौन बताएगा? पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैं सारा सीक्वेंस में ही लिख रही हूं. क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया? क्या डिस्कशन चल रही है?
चलिए मिड पॉइंट हो गए. एंड वन मोर थिंग यू आर गिवन. नाउ टू प्रूव राइट डाउन ऑल द थ्री पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक. टू प्रूव वाले पॉइंट्स आपके एज इट इज आ जाएंगे. तो क्वेश्चन आता है नहीं आता गिवन आपने लिखना है स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में बना के. टू प्रूव एज इट इज फ्रॉम द क्वेश्चन और फिगर आपने साथ में चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन यू आर टू मेक. कौन के मैम इज टेलिंग यू टू वेट ओवर हियर ओनली इन द क्लास. रिटर्न टू प्रूफ बैक पैक कर लो बच्चे तब तक आप अपना. हाँ जी जसरूप डन. हाँ यू कैन गो एट द लास्ट. बैग में पैक करवा देती हूँ यू कैन गो एंड सिट देयर. हाँ जी बाकी कीप और नोटिंग डाउन. टू प्रूफ के तीनों पॉइंट्स लिख लीजिए आप अपने. डन. नाउ प्रूफ में पहले समझ लो एंड देन यू विल राइट डाउन. हमें गिवन है यहाँ पे पी क्यू आर एस मिड पॉइंट गिवन है. ए सी हमें डायगनल गिवन है. तो हमने अब क्या करना है पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है. हरसिमरन. हाँ जी मैं यहां समझा रही हूँ आप उधर क्या देख रहे हो. इधर हो इस साइड हो. नाउ इज इट विजिबल. दूसरों को डिस्टर्ब करने से पहले ऑल्टरनेट सोच लेना चाहिए और क्या हो सकता है. बैठना रोज आपने लास्ट सीट पे होता है. फिर पीछे किसने किया. टू टू ऑफ यू वर सिटिंग ना तो दूसरा भी जा सकता था पीछे. अब यहां दो देखो. अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी लेती हूं. इन ट्राइंगल दिस ए बी सी हाँ जी पी और क्यू मुझे क्या गिवन है. मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट. यानी कि पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी. सेम वे में अब हम अगर ये वाली ट्राइंगल लेते हैं तो इन दिस आर एंड एस आर मिड पॉइंट. तो लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल एंड हाफ ऑफ दिस. तो पी आर इज पैरेलल टू ए सी. पी आर इज हाफ ऑफ ए सी. इधर से पी क्यू हाफ एस आर नॉट पी आर एस आर. इधर से पी क्यू पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए सी. इधर से एस आर पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए सी. इट मींस ये दोनों आपस में पैरेलल और दोनों आपस में इक्वल. अब वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स. हाँ जी बेटे हमने क्या शो किया कि पी क्यू जो है दैट इज हाफ ऑफ ए सी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. इधर हमने शो किया एस आर इज हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर इज पैरेलल टू ए सी. तो इट मींस ये अगर कॉमन है दोनों में तो ये पैरेलल हो गई आपस में और ये दोनों आपस में क्या हो गई इक्वल. वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल इन अ क्वाड्रिलेटरल दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका यही कंसेप्ट लगेगा. तो पहले इस कंसेप्ट को समझ लो. ठीक है हमने क्या करना है पहले एक साइड ले लेनी है ट्राइंगल उसकी जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसकी एक साइड में जो ट्राइंगल बन रही है वो ले लेनी है. ये हमें मिड पॉइंट्स गिवन है. मिड पॉइंट थ्योरम लगा के हमने ये रिजल्ट लिया. सेकंड वाले में भी सेम मिड पॉइंट थ्योरम लगा के ये लिया. देन वी गॉट द रिजल्ट. ठीक है चलिए राइट डाउन द प्रूफ. In triangle ABC, P
विंडो ओपन करने का उसको, नो प्रॉब्लम, बाहर से करो रमनीक, बाहर से विंडो ओपन करो. इन ट्राइंगल एबीसी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आराम से. क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफोर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी. एंड क्या हो गया, PQ is half of AC. अब similarly in triangle ACD, SR यहां similarly लिख लो. Let us complete this. Keep sitting. Now this is your equation one, this is your equation two. From one and two, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR implies last thing you will write down, hence prove. पार्ट वन और पार्ट टू भी लिख लेना, जहां एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एसी की है. दिस इज योर पार्ट वन प्रूव्ड, इसके आगे लिख लेना पार्ट वन प्रूव्ड. और सेकंड में हमने पी क्यू इज इक्वल टू एस आर जहां किया है, यहां लिख लेना पार्ट टू प्रूव्ड. क्लियर? एंड दिस इज योर पार्ट थ्री प्रूव्ड. गॉट इट? एनी डाउट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स बचे? इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. अटेंडेंस कौन मार्क करते हैं? 7433. हां जी, इज इट डन? सो थैंक यू बेटे, हैव अ नाइस डे.